में आने का। विंडोज एप्लीकेशन के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जनरेट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। आप लोग शांत हो जाओ पहले, ठीक है। फॉर्म बन के तैयार हो गया ऐसा, ठीक है। अब मेनू एंड कंटेनर में जाना है, ठीक है, और इसके बाद उठाना है टूल स्ट्रिप डे वाला, ठीक है। उठा के यहाँ पे पेस किया जाए इसको तो फिर दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम, ठीक है, तो मैं अभी इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे बाद में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो टूल स्ट्रिप में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, बटन, लेबल, स्प्लिट बटन, ड्रॉप डाउन बटन, सेपरेटर, कॉम्बो, टेक्स्ट, प्रोग्रेस, ठीक है, इतना चीज़ें कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बटन ले लेता हूँ, फिर लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी जो है ना इधर पे दिखाई दे रहा है, राइट। ये है नेम, ठीक है, ये लेआउट में अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट अप डाउन जो करने का आप कर लो, मार्जिन वगैरह है, ठीक है, साइज है, पेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ठीक है, वो है टूल टिप, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे एमएस वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आया बोल रहा है ना सेव आल, शॉर्टकट बटन भी दे रहा है कंट्रोल शिफ्ट एस, इस पर मैं माउस को होवर किया तो सेव विजुअल बेसिक है फॉर्म 1.vb, यहाँ पे गया तो ओपन बोल रहा है, यहाँ पे गया तो ऐड न्यू आइटम का बोल रहा है, यहाँ पे गया तो न्यू बोल रहा है। हमारे में भी तो ऐसा आना चाहिए ना, ठीक है, अभी जो है नहीं आ रहा है, देख, ठीक है, अभी क्या आ रहा है टूल स्ट्रिप बटन। मैं चाहता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले करने का है, तो बहुत आसान है इसको, प्रॉपर्टी पे जाने का राइट क्लिक करके, और यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है टूल टिप टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जाने का और यहाँ पे कर देने का सेव, ठीक है, सेव बटन ये हो गया सेव दिस DOC डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेव द डॉक्यूमेंट में नाम लिख दिया उसमें, ठीक है, और अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे माउस को मैं थोड़ी देर तक होवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आ गया सेव द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये टूल टिप है। ऐसे ही आप बहुत सारे बटन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्लिक मारो और फिर इंसर्ट कर लो, ठीक है, मैं इंसर्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे आइकन्स अभी आ रहा है, ठीक है, तो आइकन्स तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, पर एक ठो आइकन मैं इसमें लगा देता हूँ सेट इमेज करके, ठीक है, सेट इमेज पे क्लिक कर। हेलो, कौन बोल, गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, सेट इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया, नहीं, प्रोजेक्ट रिसोर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैं, राइट, देखता हूँ कुछ मेरे पास अगर फोटो हो तो। पहले मैं प्रोग्रामिंग कुछ किया था, अपना प्रोजेक्ट पे काम किया था तो रखा था,
आइकन्स ये देख लो, ठीक है। ये तो सर्च का है, इस पे आता हूँ, इसमें आता हूँ, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे सेव का आइकन है, ठीक है। नहीं, ये तो लोड का है, सेव वाला कुछ नहीं है क्या? देखते हैं, शायद इसमें हो, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है नहीं। पिक्चर एग्जिट एड इन्फो, कोई साहब ये लो, सेव का ये देख लो आइकन है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है ये लो, अब दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। इस लेवल को ना मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, इनेबल डिसेबल भी आप कर लो, डिसेबल हो गया आप, ठीक है, इनेबल हो गया, ठीक है। अगर आप रन टाइम पे चाहो इसको इनेबल डिसेबल करना, तो क्या करोगे? इस कंट्रोल का नाम लिखना है, डॉट लिखना है, और फिर इनेबल प्रॉपर्टी को अगर ट्रू करोगे तो क्या होगा? बटन ट्रू इनेबल हो जाएगा, और अगर इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दो तो क्या होगा? डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा दूं, नहीं करके दिखाऊं चलेगा? ये पैटर्न तो हालांकि प्रोजेक्ट करना ही है, पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्लिक मारता हूं यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे अब कोड लिखने को है, ठीक है। क्या कोड लिख दूं? बीयू टूल स्ट्रिप्ट बटन डॉट इनेबल, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूँ मैं फॉल्स, ठीक है, ठीक। टूल स्ट्रिप जो बटन वन है ना, वो इस बटन का नाम है, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, रन किया, रन भी हो गया फॉर्म, ठीक है। अब अभी ये इनेबल है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो डिसेबल हो गया ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। अब इसी, अब दोबारा से वो डिसेबल के बाद इनेबल करना है तो क्या करोगे आप? बहुत आसान है, इनेबल प्रॉपर्टी में फॉल्स कर दो, ठीक है। अरे, इनेबल प्रॉपर्टी में ट्रू फॉल्स कर दो। इसी में मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर इनेबल इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, इफ का कंडीशन लगा देता हूं मैं, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या कर दो इसको? अगर ट्रू है मतलब पहले से इनेबल है तो क्या कर दो इसको? कर दो फॉल्स। और अगर पहले से अन्यथा क्या कर दो? तो सिंपल इसे कर दो ट्रू, ठीक है। अब देखना इनेबल डिसेबल दोनों एक ही साथ होगा, ठीक है। ये देख लो, इनेबल डिसेबल हो रहा है ना, हो रहा है, देख पा रहे हो आप? तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसका डिस्प्ले का ये स्टाइलिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो अलाइनमेंट है, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये ले लो, ये तो गायब ही हो गया लगता है। डिस्प्ले का ये स्टाइल, ठीक है। अभी सिर्फ इमेज है, आप टेक्स्ट कर दो तो सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा। ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आपने लिखा था ना, वही दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में मैं आ जाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे भी देख लो, डिस्प्ले स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस पे मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है, क्योंकि सेव बटन है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया, डिस्प्ले स्टाइल, टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट आ गया, इमेज कर दिया तो इमेज आ गया, ठीक है। और फिर इमेज एंड टेक्स्ट कर दिया तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं उसे, इमेज रिलेशन का, ठीक है। इस पे राइट क्लिक मारा, आ गया किनारे, ठीक है। तो
ये देख लो, टेक्स्ट डायरेक्शन को अच्छा देख लेते हैं, फिर देखते हैं रिलेशन को, ठीक है। वर्टिकल कर दो 90% तो देखना क्या होगा, ठीक है। ये देख लो ऐसे हो गया, तो ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, और रोटेट हो जाएगा तो ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब है टेक्स्ट इमेज रिलेशन, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला है, ठीक है। अगर ओवरले कर दूं तो क्या होगा, तो देख लो आप, ऐसा होगा, एक के ऊपर एक आ गया ना। फिर अगर इमेज अबव टेक्स्ट रहेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। टेक्स्ट अबव इमेज होगा तो क्या होगा, तो ये देख लो, ये होगा फिर, ठीक है। ऊपर हो जाएगा से, फिर हो जाएगा नीचे इमेज, ठीक है। मैं जूम को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इमेज रिलेशन इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ऐसा कर दें तो ये देख लो ऐसा हो जाएगा, फिर जैसा बाय डिफॉल्ट पहले था, फिर इसे मैं ऐसे कर दूं तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये है इसका इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी टेक डायरेक्शन आपने देखी, इनेबल डिसेबल का ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। फॉन्ट वगैरह आप चाहो तो इसका फॉन्ट वगैरह बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो फॉन्ट आपको पसंद है वो बदल सकते हो आप, ठीक है। मैं इसे करके ओके कर दूंगा ना, तो ये देख लो कैसा दिखाई दे रहा है, तो यही डिस्प्ले स्टाइल बाकी है, ठीक है। आप इन सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके चेक कर लो, ठीक है। जो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आता पूछ लेना, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता ना, होगा कोई दिक्कत होगा इसमें तो बताओ। डिलीट मार दे रहा हूँ मैं इनेबल डिसेबल वाला, कोई दिक्कत है इसमें, हाँ या ना। इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम, इस पे मैं क्लिक मार दूंगा, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आने चाहिए ना, वो कुछ आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। न्यू का ये है, ओपन का ये है, सेव का ये है, प्रिंट का है, कट का है, कॉपी का, पेस्ट का, हेल्प का, ठीक है। चाहो तो आप इसे भी कर लो ऐसे, इसका भी स्टाइलिंग आप कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ फिर। क्या कर दिया इसे मैं डिलीट, ठीक है। सबसे पहले टूल बार में गया, टूल बॉक्स में गया, फिर मेनू एंड टूल बार में गया, ठीक है। ये है टूल स्ट्रिप, इसको उठा के छोड़ दिया यहाँ पे, अब ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करके मैं बटन ले लाया ऐसे, ठीक है। और फिर बटन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देख लिया, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी भी, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी वगैरह में बदलाव मैं कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत हाँ। ये बटन प्रॉपर्टी में बदलाव कर लो आप, ठीक है। अब क्या बदलाव करना है ये भी मैं ही बताऊं क्या। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बदलाव कर लो आप, इमेज वगैरह इसमें डाल दो आप। अभी डिस्प्ले का स्टाइल क्या है, सिर्फ इमेज है, आप टेक्स्ट कर दो तो ऐसा आ जाएगा। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बदलाव कर दो तो बदल जाएगा वहां पे, जैसे मैं कर देता हूँ न्यू ऐसे। तो यही है बस इसमें, ये बटन हो गया। अब इसके क्लिक करने पे कुछ काम करना चाहिए फंक्शंस, तो इसके डबल क्लिक पे और इस पे डबल क्लिक मारो और क्लिक इवेंट पे लिख दो कोड तो काम करेगा ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ, दिक्कत
नहीं है। और क्या पढ़े थे? अच्छा कंटेस्ट मेनू, ये है कंटेस्ट मेनू, ठीक है, इसको मैं पकड़ के खींच के ले लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो आपको देना है ना, राइट क्लिक करने पे जो जो आपको चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें आप इसमें लिख लो। जैसे मैं लिख देता हूँ एड न्यू स्टूडेंट, ठीक है, फिर डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद डिलीट स्टूडेंट, ठीक, इसके बाद सर्च स्टूडेंट, जो मन करे आप लिख लो, ठीक है। अब मैं ये क्या चाहता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ पहले, ठीक है, अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लोज कर दिया इसे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे फॉर्म पे मैं जब क्लिक मारूँ ना, मैं फॉर्म पे जब डबल क्लिक करूँ, ठीक है, नहीं नहीं फॉर्म पे जब राइट क्लिक करूँ ना, तब ये कंटेस्ट मेनू शो होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे फॉर्म के साथ इस कंटेस्ट मेनू को एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर देते हैं। राइट क्लिक प्रॉपर्टी में मैं आया, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म का एक प्रॉपर्टी होगा कॉन्टेस्ट मेनू, ठीक है, कहाँ गया कॉन्टेस्ट मेनू, सी से होगा, ठीक है, कॉन्टेस्ट मेनू ए वाला है, ठीक है, यहाँ पे आओ आप, ठीक है। अब मैं रन करूँगा ना, और राइट क्लिक किया तो आ गया, ठीक है, आ गया ना, जहाँ पे राइट क्लिक करूँगा वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं ना। अब इस पे डबल क्लिक आप करके कोड लिख लो, ठीक है, कोड मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, कोड कैसे लिखना है नोटपैड वाले में बता दिया हूँ, ठीक है, आप चाहो तो वाला रिकॉर्डर देख लेना, ठीक है। कंटेस्ट कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिप्ट सो डॉट रन कर दिया, ठीक है। अब क्लिक मार रहा हूं तो यहां पे शो कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जो लिखे हैं वही आएगा, ठीक है, और इसको देखेंगे आगे, ठीक है, कंटेस्ट मेनू को कैसे शो कराने और आगे इसमें देख लेंगे, ठीक है। ये बटन का क्लिक इवेंट पे जो कोड लिखा था हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस बटन को भी मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अगर आप चाहो, ठीक है, इस फॉर्म के रन टाइम पे चाहो कि शो कराना है इसको, ठीक है, तो रन टाइम पे भी ये शो करेगा, ठीक है। करना क्या है कि सिर्फ कंटेस्ट मेनू प्रॉपर्टी को रन टाइम पे पास कर देना है, जो कंटेस्ट मेनू आपको शो कराना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो नहीं है तो अच्छी बात, हो गया, तो मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ।